तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के लॉकडाउन के समय में यहां पे एक फार्म पे आया था, पोल्ट्री फार्म पे, तो ताकि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकूं। तो ये फार्म के मेरे साथ ओनर खड़े हुए हैं और ये आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो भैया, ये बर्ड कितने दिन का है अभी? ये बर्ड 20 दिन का है। अच्छा, कितना वेट होगा इसका लगभग अभी? इसका वेट होगा करीब आधी किलो, 500 ग्राम। 500 ग्राम, अच्छा। और ये फ्रेंड अभी 20 दिन का है और जो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो लगभग सेल के लिए तैयार हैं। अभी इस समय सर टेम्परेचर कितना होगा आपके फार्म का? करीब 35 समथिंग होगा। तो दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर है और आप देख सकते हैं कि फार्म के बगल में दीवारों पे जूट की पर्दे लगे हुए हैं ताकि उनको ऊपर से फॉगर से भिगा दिया जाता है ताकि ठंडी हवा जब चलती है तो इनसे पर्दों से होके फार्म के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऐसा आपको भी करना है। और यहाँ की साफ़ सफाई देख सकते हैं दोस्तों आप, कितनी साफ़ सफाई है। आप फार्म के अंदर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लोग एक्चुअली अक्सर यही गलतियाँ करते हैं कि फार्म के अंदर साफ सफाई नहीं रखते हैं। और लीटर देखिए, बिल्कुल सूखा लीटर है। तो जब लीटर गीला होता है तो असाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में पानी भर जाता है बच्चे के। तो आप देख सकते हैं, इसी तरीके का मैनेजमेंट करिए आप अपने फार्म में। और अभी लॉकडाउन का समय है तो ज़्यादा घूमना फिरना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाकर तैयार किया हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे वाली वीडियो हम थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो फिर मैं और फार्म पे विज़िट करूँगा, तब आपको सही तरीके से जानकारी दूँगा। थैंक यू दोस्तों।